नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की नई टीम की घोषणा आज हो सकती है। टीम में प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पद पर कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी। वहीं कुछ प्रदेश पदाधिकारी हटाए जाएंगे। प्रदेश टीम को लेकर दिल्ली में मंथन के बाद लौटे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में काफी देर तक बैठक की। प्रदेश की बैठक में पिछड़ों और दलितों को नेतृत्व देने के साथ परंपरागत वोट बैंक से जुड़ी जातियों का भी ध्यान रखा जाएगा। बता दें, नए चेहरे को जगह मिल सकती है, वहीं कई चेहरे हटाए भी जा सकते हैं। समीकरणों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश कार्यालय में काफी देर तक बैठक की गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, आज घोषित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की टीम। आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर लगातार बैठकें और मीटिंग कर रही है। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, वो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ दिल्ली गए थे और पार्टी आलाकमान से मुलाकात हुई। कुछ बिंदुओं पर विषयवार चर्चा भी हुई, जिसके बाद से वो प्रदेश वापस लौटे हैं और लगातार जो है वो मीटिंग भी करते रहे। कल बुधवार को भाजपा कार्यालय पर इन लोगों की मीटिंग भी हुई और आगामी निकाय चुनाव से लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो कुछ प्रदेश पुरुष प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश अधिकारी बड़े अधिकारी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, शायद उनको हटा के कोई और जिम्मेदारी मिल सकती है। जो महामंत्री पद पे हैं, अन्य जो अन्य पदों पे हैं, इन लोगों को अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका मिल सकता है और कुछ नए चेहरों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार सदन में जातिगत जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है, उसको लेकर भी भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और देखा जा सकता है कि पिछड़ी जातों या दलितों में से कोई एक बड़ा नेता जो है एक बड़ी जिम्मेदारी उठाकर इस पर विपक्ष के मुंह को बंद कर सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए, लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी हमलावर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जीरो टॉलरेंस की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो या बजट की बात हो। इसके बाद हम जान रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, एक साल के से कम का बचा हुआ है और आने वाले 2-3 समय में नगर निकाय चुनाव भी होने वाले। ऐसे में इन दोनों स्थितियों को भापते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बेहतर स्थिति होगी वो संगठन अपने लिए सही करेगा। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि लगातार जो है जो नए चेहरे हैं, संगठन विस्तार की बात लगातार कई दिन से हो रही थी कि संगठन में विस्तार होगा और अब उन चेहरों को एक नई जिम्मेदारी के साथ संगठन विस्तार में मौका मिलेगा और जो पुराने चेहरे हैं, देखिए इस बैठक के विस्तार के बाद देखना पड़ेगा कि किन किन नए चेहरों को जगह इसमें मिलती है, क्योंकि नाम कई चल रहे हैं। इस पे देखना होगा कि किसको जो है मौका मिलता है, संगठन में कौन सा पद मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये तब तक कहना मुश्किल होगा जब तक कोई आधिकारिक घोषणा जो है वो संगठन से नहीं हो सकती है। किसी प्रकार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से दिखा जा रहा है तो पिछड़ों को साधने की जो है बात कर सकती है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और जो दलितों की बात है उनमें से किसी एक को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हामिल है, तो इसको जो है वो भरने के लिए जातिगत जनगणना का जो विपक्ष का मुद्दा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए पिछड़ों से लेकर दलितों में किसी एक बड़े चेहरे को उत्तर प्रदेश के संगठन में एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। मयूरी, विवेक, अगर देखा जाए तो 14 लोकसभा सीटों पर विशेष रणनीति बनाएगी, तो क्या कुछ मंथन हो सकता है, क्या रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, बात 14 की नहीं, बात 80 की है। भारतीय जनता पार्टी ये बेहतर जानती है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं,
देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। और उससे बड़ी बात पता है कि अगर 80 में से हम तकरीबन 72 से ज्यादा सीटें वो पहले भी जीत चुके हैं, और इस बार उनका लक्ष्य तो है 80 से 80 सीटें जीतने का है। और जहाँ पे अगर देखा जाए जहाँ पे स्थिति थोड़ी कमजोर है वहाँ पे वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जिन 14 लोकसभा सीटों की बात हो रही है वहाँ पे संगठन विस्तार में कुछ नया देखने को भी मिल सकता है। जहाँ पे स्थिति ज्यादा मजबूत है वहाँ के संगठन विस्तार को न देखते हुए, जहाँ पे स्थिति थोड़ी डमाडोल लग रही है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों में, वहाँ पे वो विस्तार करके नई जिम्मेदारी किसी अहम जिम्मेदारी किसी नए व्यक्ति को दे सकते हैं और पुराने व्यक्ति को दूसरे किस्म की जिम्मेदारी दे सकते हैं। इस प्रकार से वो डैमेज कंट्रोल भी करेंगे, वो चीजें मैनेज भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जाना ही जाता है हमेशा इलेक्शन वोट के लिए और अपने बेहतरीन संगठन नेतृत्व के लिए। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस के बूलगढ़ी गैंग रेप मामले में आज SC ST कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान चारों आरोपी दोषी करार दिए जा सकते हैं। मामले में कोर्ट के फैसला सुनाने की भी संभावना है। चारों आरोपी जेल में बंद हैं। CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले की संभावना को देखते हुए जिले की सीमाओं पर फोर्स तैनात कर दी गई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही SP ने कोर्ट परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस के बूलगढ़ी गैंगरेप मामले में गुरुवार को SC ST कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आज आरोपियों पर दोष तय किए जा सकते हैं। चारों आरोपी जेल में बंद हैं। CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले की संभावना को देखते हुए जिले की सीमाओं पर फोर्स तैनात कर दी गई है। आने जाने वालों पर नजर भी रखी जा रही है। साथ ही SP ने कोर्ट परिसर में आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। करीब 3 साल पहले चंदपा क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदगंज में युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। CBI ने मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ ST ST एक्ट सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, हाथरस गैंगरेप मामले में आज सुनवाई होगी। जी देखिए मयूरी, ये मामला पूरा 14 सितंबर 2020 का है और ये मामला काफी उछल के आया था क्योंकि इसमें लगातार मीडिया भी संज्ञान ले रही थी और तमाम जो राजनीतिक दल है उसमें भी उनका साथ हुआ था। इसके बाद परिवार का आरोप ये था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और जेल भेज दिया है। और कुल मिला के ये चंबला क्षेत्र का मामला है हाथरस के। वहाँ पर लड़की घास लेने गई थी खेत में, उसके बाद वहाँ पर उसके साथ गैंगरेप हुआ, गैंगरेप की घटना हुई। उसके बाद वो इतनी घायल हो गई थी, इतनी मूर्छित अवस्था में थी कि उसके बाद उस जो युवती है, लड़की है, उसको दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और परिवार का ये आरोप था कि पुलिस ने बिना बताए, पुलिस और प्रशासन ने बिना बताए उस लड़की का उनका लड़की का दाह संस्कार कर दिया। और परिवार इस बात को लेकर काफ़ी मीडिया घरानों में, मीडिया हाउसेस में काफ़ी हलचल हुई थी और ये मामला काफ़ी उछल कर आया था। फिलहाल अभी 4 लोगों की आज पेशी है और कोर्ट में ये सजा तय होनी, क्योंकि 376D और 302 के तहत ये मामला तय किया गया था। ये आरोप तय किए गए थे कि गैंगरेप और
हत्या के मामले में ये पूरा मामला तय किया गया था। अब देखने वाली बात ये कि आज अदालत में उनकी सुनवाई है और सजा का ऐलान होना है, तो फिलहाल अब देखना ये भी होगा कि अदालत क्या उन पर सुनवाई करती है, क्या आरोप पे उन पे आगे लगातार उन पे कार्रवाई करती है। जी सागर, इस पूरे मामले में आज सुनवाई होगी, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी मयूरी, आपको बता दूं कि हाथरस की बात है, हाथरस की घटना है, तो आसपास के तमाम जेलों में पुलिस के जो सैनिक हैं, पुलिस के जो तमाम बल हैं उनको बढ़ा दिया गया है। चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको बढ़ा दिया गया है और हर आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो पाए, क्योंकि ये बहुत घटना बहुत विभत्स थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये गैंगरेप हुआ था दलित युवती के साथ। उसके बाद चार आरोपियों को वहाँ पर जेल में डाला गया और पुलिस ने इसके संज्ञान लिया। पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए 26 सितंबर 2020 को ही आरोपियों को पकड़ लिया था। मात्र घटना के 12 दिन बाद ही आरोपियों को पकड़ लिया था। उसके बाद से लगातार ये चार लोग जेल में हैं। उसके बाद आज इनकी सुनवाई होनी है और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सुनवाई में अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्या इन्हें फांसी की सज़ा होगी या फिर उम्र कैद होगी या फिर कुछ और होगी। और फिलहाल अभी आपको बता दूँ कि जो आसपास के जिले हैं, आसपास के जो बॉर्डर के पास के जो इलाके लगते हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ ही एसटीएफ और जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वहाँ पर डेरा जमाए हुई हैं, क्योंकि ऐसी कोई अपनी घटना ना हो पाए कि इस घटना को लेकर कोई दंगा फसाद या फिर ऐसी कोई घटना ना हो कि जिससे कि जो सामुदायिक सांप्रदायिक हिंसा भड़क सके। जी सागर, सुनवाई की कार्रवाई आज होगी, ये कार्रवाई कितने बजे होगी? जी देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि फिलहाल अभी 11 बजे से कोर्ट बैठेगी और इनको जो मुजरिम है उनको 10 से 10:30 के बीच लाया जाएगा कोर्ट में। उसके बाद से इनकी सुनवाई होगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपनी जो आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं और पुलिस का ये मानना है कि साफ साफ की इनकी सुनवाई शायद आज ही हो सकती है। फिलहाल ये डिपेंड करता है कि कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर, कि न्यायाधीश के ऊपर कि वो कब तक सुनवाई कर पाएंगे। सुनवाई शायद लंच के बाद भी आ सकती है और लंच के पहले भी आ सकती है। फिलहाल ये बात भी है कि लंच के पहले सुनवाई होने की पूरी आशंका है, क्योंकि कोर्ट में और जो मुकदमे हैं और उनके सुनवाई भी होनी है, तो फिलहाल इस बड़े मुकदमे पर कोर्ट इन्हें प्राथमिकता देते हुए आज सुनवाई की तारीख तय की गई। जी सागर, देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के बाद आखिर क्या कुछ फैसला आता है इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद सागर आपका हमसे जुड़ने के लिए। पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारबाग के माया होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, 12 गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। पकड़े गए लोगों में होटल का मैनेजर समेत 7 लड़कियों और 4 पुरुष भी शामिल हैं। चारबाग इलाके में पुलिस ने इससे पहले भी सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। चारबाग के माया होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, 12 गिरफ्तार किए गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ में एक बार फिर से सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। लगातार लखनऊ में इससे पहले भी कई सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और ज्यादातर सेक्स रैकेट का खुलासा चारबाग स्थित क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि वहां पर स्टेशन भी है, बहुत बड़ा स्टेशन है और मुख्य स्टेशन भी है यहां पर। तो उसके बाद वहां पर कई दिनों से सूचना मिली थी नाका पुलिस को, जो स्थानीय थाने की पुलिस है, नाका हिंडोला थाना क्षेत्र की पुलिस है, उसको सूचना मिली थी कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा है और सेक्स रैकेट की आड़ में यहाँ पर यात्री भी आते हैं और तमाम लोग भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाका पुलिस ने तड़के सुबह यहाँ पर छापा मारा। उसके बाद वहाँ पर देखा कि आपत्तिजनक स्थिति में लोग वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 7 युवती थी और 5 युवक थे। उसके साथ ही वहाँ पर जो मैनेजर था और जो कर्मी थे उनको भी हिरासत में लिया है पुलिस ने। वहाँ पर पूछताछ लगातार कर रही है।
और फिलहाल देखने वाली बात यह है कि लगातार जो एक सरकार है वहां पर एक संदेश दे रही है कि किसी भी तरह का जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ना अपनाएं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना कर चल रही सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें पुलिस की मिली भगत भी सामने आती है, स्थानीय पुलिस की मिली भगत भी सामने आती है, क्योंकि सेक्स रैकेट अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, और फिलहाल नाका पुलिस सवालों के घेरे में है, और कहीं ना कहीं डीसीपी जो मध्य है कर्नल राज रजत कौशिक, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बता दिया है कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।